नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जीस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए ऑटो गाइड पढ़ेंगे। ऑटो गाइड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग देखेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी लगभग। देखिए जैसे इसमें है UPSC 2021 में आया है, ऐसे सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है, बाकी हम लोगों का कुछ मिलता नहीं है। देखिए तो ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑटो गाइड, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑटो गाइड क्या होता है। ऑटो कैड देखिए होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ऑटो कैड के बारे में जान लीजिए। देखिए ऑटो कैड इज एक सॉफ्टवेयर होता है जो 2D और 3D मॉडलिंग करने के लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने के लिए, इन सभी को मतलब डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो कैड का यूज करते हैं। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपको कोई 2D या 3D फिगर बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो कैड जो है कब डेवलप किया गया था। ऑटो कैड जो है पहली बार डेवलपमेंट ऑटो कैड का 1982 में, फर्स्ट बार डेवलप जो है 1982 में इसको किया गया था। लेकिन जो है ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया था ये दिसंबर 1982 में डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है पहला ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर जो था, पहला ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर का डेवलप किया था 1992 में सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। ठीक है, और लगभग 2010 में मतलब 2010 में मोबाइल वेब और इसके बाद आपका क्लाउड बेस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था, जिसको हम लोग ऑटो कैड 360 बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पहला चीज़ ऑटो कैड का यूज कहाँ करते हैं। ऑटो कैड इज ए सॉफ्टवेयर फॉर 2D एंड 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कि 2D और 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने के लिए हम ऑटो कैड का यूज करते हैं। ऑटो कैड डेवलप्ड बाई ऑटो डेस्क, ऑटो कैड जो है ऑटो डेस्क के द्वारा डेवलप किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑटो कैड ऑटो डेस्क के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑटो कैड कमर्शियल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये रिलीज किया गया था 1982 में। ऑटो कैड का कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंस है। ऑटो कैड का कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन था वो 1992 में डेवलप किया गया था, लेकिन पहली बार जो ऑटो कैड है वो डेवलप किया गया था, मतलब ऑटो कैड अवेलेबल हुआ था वो 1982 में, दिसंबर 1982 में डेवलप किया गया था। और ऑलमोस्ट 2010 से, तो मतलब समझ लीजिए एकदम मतलब मोबाइल के लिए, यहाँ मोबाइल के लिए, क्लाउड के लिए, वेबकैम के लिए, सभी के लिए मतलब अवेलेबल हो गया था। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बाकी देखिए ऑटो कैड क्या है यार, मतलब एक्चुअली में कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन में ही आप लोग को बता दूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर ऑटो कैड ड्राइंग फाइल, ऑटो कैड ड्राइंग फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं, जैसे आप फोटो देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो वो फोटो किस में होता है, वो JPG में होता है या PNG में होता है या PLP फाइल में होता है। जैसे आप पिक्सल लैब में कोई चीज़ सेव करते हैं तो PLP में होता है, इमेज जो होता है JPG में होता है या PNG में होता है। ऐसे ही आपका अगर डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ रीड करते हैं, राइट करते हैं, जैसे PDF होता है, PDF के लिए .PDF होता है, .DOC होता है, तो ऐसे ही आपका ऑटो कैड में जो ड्राइंग फाइल है, ड्राइंग फाइल के लिए क्या होता है, DWG होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D जो है इसका करेक्ट है। देखिए और एक उसमें आता है, देखिए ऑटो कैड जो होता है ये टेम्पलेट फाइल जो होती है, ऑटो कैड का टेम्पलेट फाइल होता है, तो ऑटो कैड का टेम्पलेट फाइल जो होता है उसको DWT होता है, DWT होता है, ऑटो कैड का टेम्पलेट फाइल होता है DWT में, और ऑटो कैड का ड्राइंग जो फाइल होती है वो DWG होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है, DWG ऑटो ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए विच कमांड इज यूज टू क्रिएट द रेक्टेंगुलर इन ऑटो कैड, ऑटो कैड में रेक्टेंगल अगर आपको क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड का यूज करेंगे आप, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। अगर आप लोग देखिए वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब यार देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कराने लगूंगा ज़्यादा तो उसमें टाइम ज़्यादा लॉस होगी, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मतलब ऑटो कैड के जितने भी कमांड हैं सबको चाहिए वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ सर मतलब ये वीडियो बना दीजिए कमांड पर, तो मैं इसको स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी देखिए कुछ मैं एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ, जैसे आर्क अगर आपको क्रिएट करना हो, आर्क ऑटो कैड में आर्क क्रिएट करना हो तो उसके लिए ARC यूज करते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना हो तो REC यूज करते हैं। अगर आपको लाइन क्रिएट करना हो, सिंपल लाइन क्रिएट करना हो तो L या तो फिर LINE लाइन यूज करते हैं। अगर आपको सर्कल क्रिएट करना हो तो C यूज करते हैं सर्कल के लिए, या तो फिर ऐसे आप सर्कल लिख दीजिए सिंपल में कमांड दे दीजिए उसके लिए। अगर आपको ब्लॉक क्रिएट करना हो, नंबर आप ब्लॉक ड्राइंग में कितने मतलब ब्लॉक है काउंट करना है, तो उसके लिए आप ब्लॉक या B लिख दीजिए या तो फिर ब्लॉक। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका जैसे आइसोलेशन करना हो, अगर किसी मतलब टेक्स्ट को हाइड करना हो तो उसके लिए आइसोलेट यूज करते हैं। और आपको जैसे कोई भी चीज़ पॉली लाइन के लिए करना हो, अगर पॉली लाइन क्रिएट करना हो तो उसके लिए PL यूज करते हैं, और अगर पॉलीगन यूज करना हो तो POLY यूज करते हैं। ये एक्सटेंशन है, आप कमांड है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
विच प्लान इज यूज टू ड्रा ऑल ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड? ऑटोकैड में सभी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो देखिए, ऑटोकैड में अगर आपको कुछ भी ड्रा करना है, ड्रा करने के लिए एक्स वाई जो प्लान होता है उसमें हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर हम लोग इस साइड है, देखते हैं उसको। देखिए, तो विच प्लान इज यूज टू ड्रा ऑल ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर प्लान मतलब ऑटोकैड में ड्रा करना है तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन होता है, उस पर हम लोग ड्रा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, देखिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पर है, तो ऑटो कैड में जो है एक्स वाई प्लेन पर हम यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि इसमें ऑटो कैड में पूछता है आपसे, जैसे आपका एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है उसमें अगर देखिए जो एक्स प्लेन होता है, एक्स प्लेन होता है, इसका कलर पूछता है आपसे। तो एक्स प्लेन जो होता है उसको हम लोग रेड से, और इसके बाद वाई प्लेन जो होता है, वाई आपका एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस को हम लोग किसे करते हैं, देखिए वाई एक्सिस जो होता है उसको हम लोग ग्रीन से, और इसके बाद जेड एक्सिस जो होता है, जेड एक्सिस को हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को हम लोग रेड सिंबल से, रेड कलर से, वाई एक्सिस को ग्रीन कलर से, और जेड एक्सिस जो होता है उसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, आइडेंटिफाई द स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स के लिए जो स्पेशल फीचर होता है उसको डिजाइन करना है। देखिए, तो ईरर कैन हैपन व्हाइल डिजाइनिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऑटोकैड में जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें ईरर नहीं होता है, क्योंकि आप सिंपल हर चीज़ें मतलब डिफाइंड होती हैं। अगर आपको कुछ भी मतलब लिखना है, राइट करना है, रीड करना है, आपको कमांड सिंपली देना है, वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, टू एंड थ्री डायमेंशन कैन बी डिजाइन, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। आपको पहले ही बताया था कि ऑटो कैड जो होता है, ऑटो कैड क्या है, ऑटो कैड इज ए सॉफ्टवेयर फॉर 2D एंड 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन को करने के लिए हम 2D और 3D डायमेंशनल इसे डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए, टाइम कंज्यूमिंग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ओनली 2D नहीं, इसे 2D और 3D दोनों डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट है, कि स्पेशल फीचर जो होता है ऑटो कैड में, स्पेशल फीचर क्या होता है, 2D और 3D डायमेंशन को डिजाइन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, देयर इज एन आइकन अवेलेबल इन ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल टू रिमाइंड दैट विच इज एक्स एक्सिस एंड विच इज वाई एक्सिस, आइकन इज कॉल्ड। देखिए एक्चुअली इसमें बोला, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा आइकन है जो रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कि कौन सा, ये रिमाइंड कराता है कि कौन सा एक्स एक्सिस पर है, कौन सा वाई एक्सिस पर है, तो उसको हम लोग यूसीएस बोलते हैं, यूसीएस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, तो यूसीएस जो होता है यूजर कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, यूजर कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है यूसीएस का फुल फॉर्म। तो यूसीएस एक ऐसा मतलब आइकन होता है जिस पर मतलब कि हमको पता चलता है कि कौन सा मतलब एक्स एक्सिस पर है एलिमेंट, कौन सा वाई एक्सिस पर है, इसको यूसीएस रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए सिक्स है यहाँ पर, हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटो कैड, ऑटो कैड में कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री जो है देखिए वो करेक्ट है। ऑटो कैड में तीन वर्क स्पेस होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, तो नेम भी पूछ सकता है। देखिए, तो कौन कौन सा होता है, ड्राफ्टिंग एंड ऑटो एनोटेशन होता है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसके बाद 3D बेस होता है, 3D बेस, और आपका 3D मॉडलिंग होता है। तो तीन होते हैं, पहला कौन सा होता है, ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन। ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो मतलब हम क्रिएट करते हैं, जैसे 2D ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, जैसे लाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगन हो गया, ये ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशन में होता है, इनोटेशन में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, देखिए कौन आता है, आपका 3D जो है बेस आता है, 3D बेसिक्स आता है। 3D बेसिक्स में देखिए क्या है, 3D बेसिक में क्या है, देखिए 3D बेसिक में क्या है, जैसे हमको कोई भी तो स्ट्रेट करना हो, लेफ्ट करना है, रिवॉल्व करना हो, स्वीप करना हो, अगर ये सब कमांड के लिए हम 3D मॉडलिंग यूज़ करते हैं। तो मतलब 3D अगर आपको फिगर को क्रिएट करना है तो हम वहाँ पर 3D बेसिक्स यूज़ करते हैं। इसके बाद 3D मॉडलिंग है, 3D मॉडलिंग करनी मतलब 3D मॉडल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग यूज़ करते हैं। तो ऑटो कैड में जो है, ऑटो कैड में कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होता है, तो तीन वर्क स्पेस अवेलेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में, विच कमांड इज यूज टू कन्वर्ट 2D ऑब्जेक्ट इन टू 3D बाई रिवॉल्विंग दैट ऑब्जेक्ट ऑन वन ऑफ वे
एनी एक्सिस विच रिप्रेजेंट टू डिस्टिंग्यूश पॉइंट डैट एक्सिस, मतलब कि ऐसा कौन सा कमांड है, देखिए ऐसा कौन सा कमांड है जो 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या है, इसको हम लोग रिवॉल्व का यूज करते हैं। रिवॉल्व का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि रिवॉल्व जो कमांड होता है इसका हम यूज करके 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल व्यू पोर्ट इन द लेआउट, मतलब कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसका हम लोग यूज करके मल्टीपल व्यू कर सकते हैं, मतलब कि एक टाइम में कई व्यू कर सकते हैं। जैसे होता है ना, देखिए आप एम एक्स प्लेयर नहीं, आप गूगल क्रोम चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते होंगे, उसमें देखिए आप मोबाइल में यूज़ करते होंगे तो उस पर एक जो आपको आइकन दिखता है टैब वाली बटन होती है, जैसे ऐसे यहाँ पर सर्च बार होता है, देखिए इस ये सर्च बार होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ऐसे मतलब इस पर रहता है, इसके बाद यहाँ पर एक जो थ्री डॉट वाला रहता है सिंबल, तो यहाँ पर देखिए आप देखते होंगे ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब कई लिखा रहता है, तो मतलब जितने टैब खुले रहते हैं उसमें दिखाता है कि मतलब कितना खुला है, 2, 3, 4 ऐसे लिखा रहता है इसमें, अगर 13, 14, 15 तो ऐसे ही उसमें जितने आप टैब खोले रहते हैं उतना दिखाता है। तो वही बोल रहा है कि मतलब कि मल्टीपल व्यू कैसे मतलब हम देख सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो उसके लिए देखिए वी पोर्ट्स होता है, वी पोर्ट्स मतलब व्यू पोर्ट्स होता है। तो व्यू पोर्ट्स कमांड का यूज करके हम मल्टीपल व्यू कर सकते हैं, मतलब एक टाइम में कई व्यू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करंट है, व्यू पोर्ट्स जो होता है वी पोर्ट्स होता है, वी पोर्ट्स का यूज करके हम लोग मल्टीपल व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में रे कमांड इज यूज टू ड्रा अ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट टू, जो RAY रे जो है आपका रे कमांड है, रे कमांड का यूज करके आप लाइन को ड्रा करते हैं कहाँ से कहाँ तक, मतलब एक पॉइंट से कहाँ तक उसको ड्रा कर सकते हैं। तो मतलब कि देखिए रे आपका कमांड है, रे कमांड का यूज करके आप क्रिएट कहाँ करते हैं, कोई भी लाइन है उसको स्टार्टिंग से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसको इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट तक जो है ड्रा करने के लिए आप RAY रे कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि रे कमांड का यूज करके कैसे करेंगे आप। देखिए रे कमांड रे कमांड में क्या, देखिए इट इज़ ए कमांड टू क्रिएट अ लाइन डैट स्टार्ट टू ए पॉइंट, एक मतलब ये एक ऐसा कमांड होता है जो क्या एक लाइन को क्रिएट करता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस टू इन्फाइनाइटी इन्फिनिटी, और ये कंटिन्यूस इन्फाइनाइट तक चलता रहता है। वी कैन क्रिएट डिफरेंट पैरामीटर एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे कमांड, रे कमांड की सहायता। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर ये इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये क्वेश्चन तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि ऑटो कैड जो है फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर, ऑटो कैड पहली बार कब रिलीज़ किया गया था, देखिए 1982 में जो है दिसंबर 1982 में रिलीज़ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। और सॉफ्टवेयर कब आया था, तो 1992 में सॉफ्टवेयर आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कमांड यूज फॉर ड्रा अ लाइन और सीरीज ऑफ लाइन विथ एरो हेड टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट टू नोटेड, मतलब कि एक कोई लाइन है, अगर लाइन को मतलब कि एरो हेड लाइन जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऑब्जेक्ट से, तो उसको कौन सा, तो उसको लीडर बोलते हैं। देखिए लीडर जो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। ऐसे समझिए लीडर कमांड का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे अगर आपको कोई भी एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को मतलब कि ऐसे पूरा हमको डायरेक्शन बताए, मतलब लीड करें, हमको डायरेक्शन को लीड करें, यहाँ से चले किसी पॉइंट से मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो एरो हेड जो दिखाता है ये क्या करता है, ये लीडर काम करता है, मतलब नेता काम करता है, भाई बताता है भैया पहले ऐसे चलो फिर ऐसे चलो फिर ऐसे चलो तब यहाँ पर आप डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँचेंगे, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या क्या होता है, लीडर होता है। तो लीडर कमांड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एरो हेड पॉइंट को ऑब्जेक्ट को नोट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले क्या है, देखिए टेक्स है, इसके बाद ये यहाँ पर आता है, इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद लीडर लाइन होती है, फिर ये आपके डेस्टिनेशन जहाँ होता है वहाँ पहुँच जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉली लाइन, पॉली लाइन में डिस्क्रीट जो कमांड होता है डिस्क्रीट कमांड को कन्वर्ट करता है, मतलब कि देखिए विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इनटू पॉली लाइन, मतलब कि अगर कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है उसको अगर आप पॉली लाइन में मतलब कंटिन्यूअस लाइन में, जैसे डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ चला फिर यहाँ कट हो गया, फिर यहाँ चला फिर यहाँ फिर कट हो गया, फिर चला फिर कट गया, मतलब बीच बीच में सिग्नल जो है वो कट ही हुई हो, मतलब एबसेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। जैसे देखिए ये है
अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, ये कंटिन्यूस है, लेकिन फिर बीच में कट गया तो ये क्या है, डिस्क्रीट है। ठीक है, यहाँ से कट गया, फिर इसके बाद ऐसे, तो मतलब कि सिग्नल कंटिन्यूस ना चले उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। अब बोल रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा कमांड है जिसको डिस्क्रीट सिग्नल को कंटिन्यूस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ज्वाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ज्वाइन कमांड टू फिल गैप, मतलब देखिए ज्वाइन कमांड टू फिल गैप मतलब जो गैप होती है उसको फिल करने के लिए, लाइन के बीच में, बिटवीन लाइन्स, बिटवीन लाइन्स, आर्क्स, इलिप्स, ओपन स्प्लेन्स, 2D 3D, पॉली लाइन्स एंड हेलिक्सेस। मतलब कि देखिए इसमें आपको सिंपल में जानी है कि अगर कोई भी मतलब जैसे लाइन है या तो फिर आर्क्स है, इलिप्टिकल आर्क्स है, ओपन स्प्लेन्स है, 2D 3D पॉली लाइन्स हैं, इन सभी के बीच में जो गैप होता है उन सभी गैप को भरने के लिए हम ज्वाइन ज्वाइन कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। जैसे देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसे ये देखिए आपका यहाँ पर क्या, देखिए एक सर्कल बना था लेकिन इसमें क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है। ये देखिए यहाँ सर्कल था, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये डिस्क्रीट सिग्नल है। अब यहाँ पर देखिए ज्वाइन कमांड हम दे दिए तो देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया, ये जो शेप था देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो ये ज्वाइन सिग्नल का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में शॉर्टकट फॉर अंडो, अंडो के लिए शॉर्टकट क्या होता है। देखिए आप कंप्यूटर अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानते होंगे तो कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल पी, ये सब मतलब कंट्रोल वी, कंट्रोल आई, ये सभी मतलब आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोल जेड जो होता है, देखिए कंट्रोल जेड जो होता है अंडो के लिए होता है। अंडो का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि अगर शॉर्टकट की यूज मतलब लास्ट एक्शन पर वापस आने के लिए, जैसे आप जैसे यहाँ बढ़ गए, ठीक है यहाँ से चले यहाँ बढ़ाएँ, अब फिर से यहाँ हमको आने के लिए, यहाँ आने के लिए हमको क्या करते हैं, हम कंट्रोल जेड दबाते हैं अंडो। इसके बाद फिर आप अगर इसी चीज़ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो उसके लिए रीडो होता है, मतलब फिर से उसी को रीड कर लेना, तो मतलब फिर से इस पोजीशन पर आने के लिए हम कंट्रोल वाई कर देते हैं। ऐसे कंट्रोल पी जो होता है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल क्यू जो होता है ये एग्जिट के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल पी देखिए, कंट्रोल वाई जेड जो होता है ये अंडो के लिए होता है, कंट्रोल वाई जो होता है ये रीडो के लिए होता है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल क्यू जो होता है वो एग्जिट के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अंडो पूछा है, अंडो के लिए कंट्रोल जेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, व्हाट यू कैन कांट क्रिएट बाई ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड से क्या आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड से वर्टिकल स्ट्रेट जो लाइनें होती हैं उसको आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, ऑफसेट कमांड से आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में शॉर्टकट फॉर ग्रिड ऑन ऑफ, ग्रिड ऑन ऑफ के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो ये F7 जो होता है, देखिए ये F7 जो होता है ग्रिड ऑन ऑफ के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है शॉर्टकट की, देखिए शॉर्टकट की है, कमांड है और कमेंट है, मतलब कि क्या होता है उसे। तो F7 जो है उसके लिए ग्रिड के लिए होता है, या फिर कमांड F7 दीजिए शॉर्टकट की, या तो फिर आप ग्रिड कमांड दीजिए। और होता क्या है इसके, इसमें टर्म ग्रिड ऑन ऑन जो होता है मतलब ग्रीन जो होती है ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। F3 क्या होता है, OSNAP होता है, OSNAP कमांड दीजिए, या तो फिर स्विच ONNAP है, OSNAP है ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। F9 जो होता है देखिए YSNAP होता है, YSNAP के लिए, स्नैप जो होता है स्नैप ऑन ऑफ करने के लिए यूज करता है। F8 जो होता है देखिए ये आर्थो होता है, आर्थो के लिए टर्न आर्थो टर्न्स आर्थो ऑन ऑफ के लिए होता है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ तक हम लोग 15 क्वेश्चन तक देखे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।